सो आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू हिस्ता इंजेक्शन के बारे में, जो बेलकॉन कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें क्लोराफेनिरामाइन मेलेट होता है। तो ये एक एंटी हिस्टामाइन इंजेक्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो एलर्जी में या फिर बर्न्स में यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई हिस्सा जल गया है। ड्रग रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो, अगर कोई इंजेक्शन गलत रिएक्शन कर देता है, साइड इफेक्ट करता है, उसमें यूज़ कर सकते हो। एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आँखों की सोजश या फिर एलर्जी के लिए। डर्मेटाइटिस, चमड़ी की सोजस के लिए। रिहिंटस, जिसे हम इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब नाक की जो स्लेमिस्पिक करा है उसकी सोजस है। इंसेक्ट बाइट, अगर कोई पशु को इंसेक्ट काटता है उसके लिए अगर एलर्जी होती है। स्टोमेटाइटिस, मुंह की जो स्लेमिस्पिक कला है उसकी सोजस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। आर्थिक एरिया के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें त्वचा जो है उसके ऊपर लाल या पीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। स्किन ओडिमा के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चमड़ी के नीचे तरल का इकट्ठा होना जो एक गांठ की तरह लगता है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। लैमिनेटिस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम खुरों की परतों या फिर पलटन की सूजन कहते हैं। इसमें पशु लंगड़ाकर चलता है और यह रोग अधिकतर घोड़ों में होता है, या फिर आप प्रेगनेंसी जो टॉक्सिमिया है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी डोज जो है वो आप लार्ज एनिमल में 50 से 100 mg टोटल डोज आप दे सकते हो IM रूट के द्वारा। स्मॉल एनिमल में 30 से 50 mg टोटल डोज जो है वो दे सकते हो IM रूट के द्वारा। डॉग में आप 10 से 20 mg टोटल डोज जो है वो दे सकते हो IM रूट के द्वारा। मींस लार्ज एनिमल में 5 से 10 ml आप लगा सकते हो, स्मॉल एनिमल में 3 से 5 ml आप लगा सकते हो, डॉग में 1 से 2 ml लगा सकते हो आप। और आपने ये IM रूट के द्वारा लगाना है, इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ही लगाना है, जिसे हम मांसपेशीगत बोलते हैं। इसी रूट के द्वारा आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो न्यू हिस्ता इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर करें। और हमारी ऐसी वेटनरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।